स्थानीय श्री सिंहेश्वरी इंटर कॉलेज में केंद्रीय सरकार की महत्वाकांक्षी योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कैप्टन डॉ नीरज श्रीवास्तव ने कहा कि केंद्र सरकार की पढ़े बेटियां बड़े बेटियां एक महत्वपूर्ण योजना है, इसके सहयोग में सभी को आगे आना होगा। संगोष्ठी का संचालन हिंदी के प्रवक्ता बृजेश मणि त्रिपाठी ने किया। उन्होंने कहा कि दहेज हत्या, उत्पीड़न, भ्रूण हत्या, बाल विवाह, महिला उत्पीड़न आदि बुराइयों का मुखर प्रतिरोध व महिलाओं के हितों के लिए कानूनों की सामाजिक सुधार कानूनों की जानकारी एक पढ़ी लिखी बेटी ही रखती है। उन्होंने कहा कि बेटी है तो भविष्य है। राष्ट्रीय सेवा योजना की स्वयं सेविका प्राजिता त्रिपाठी ने संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि लड़कियां खूबसूरत फूल की तरह होती है, फिर क्यों इनको भ्रूण में मार दिया जाता है। यदि लड़कियां स्वावलंबी होगी तो आत्मरक्षा के साथ साथ समाज रक्षा भी कर सकेंगी। एनएसएस के कार्यक्रम अधिकारी रंजीत चौधरी ने सभी अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि लड़कियां आज हर मुकाम को फतह कर रही हैं। कौन सा क्षेत्र नहीं है जहां बेटियां अपना लोहा न मनवा रही है। हमें बेटियां बेटियां के प्रति सकारात्मक नजरिया रखना होगा और उन्हें खुले आकाश में उड़कर अपनी प्रतिभा को प्रफुल्लित करने का मौका देना चाहिए। संगोष्ठी को अमन प्रजापति तथा आदर्श पांडे ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर शादाब, नीलकमल, अब्दुल वाहिद, रवि मिश्रा, संजय मौर्य, सुरेंद्र, बालकृष्ण, अंकित श्रीवास्तव, दानिश, पंकज कुमार, मुरलीधर शुक्ला, अमित कुमार गुप्ता, सीमा भारती, हिमांशी मिश्रा, संध्या पांडे, सारिका जायसवाल, आयशा आदि उपस्थित रहे। मैं इसके लिए सब शब्दों का विराम देता हूँ।